वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल बनी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है। तो वीडियो का टाइटल है कैसे रतन टाटा इंडिया को बना रहे हैं सुपर पावर भाई। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि रतन टाटा का बिजनेस पूरी दुनिया में है, लेकिन अब ये देखेंगे तभी आइडिया होगा कि भाई ये कैसे रतन टाटा इंडिया को सुपर पावर बना रहे हैं, किस तरह से ये वर्क कर रहे हैं इस पे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोग मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी की चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कलम करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज टी से लेकर टेक्नोलॉजी और कंपनी से लेकर आम इंसान के घर तक पहुंच चुकी टाटा कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन आई बेट आप ये नहीं जानते होंगे कि टाटा को खड़ा करने वाले जमशेद जी टाटा। अच्छा। पिछले सेंचुरी में 102 बिलियन डॉलर्स यानी 7.5 लाख करोड़ का दान किया था अपने। अच्छा। जमाने में उस टाइम बिलियनर्स को पीछे छोड़कर उस टाइम पे भी इनके पास पैसा था, बन गए हैं, which is mind blowing for any Indian। जिसे साबित करने के लिए मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कोविड के लिए 2500 करोड़ खर्च कर। बिल्कुल, लेकिन 1868 में शुरू हुई कंपनी आज 7,50,000 लोगों का परिवार, 7.5 लाख, भूटान जैसे देश जिसकी पॉपुलेशन 7,39,000 उससे भी ज्यादा, उससे बड़ी, इनके पास जो काम करते हैं एम्प्लॉय की जनता जितने लोगों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देकर ही नहीं बल्कि टाटा इकोनॉमी में टैक्स कर भी इंडिया की मदद कर रहा है। जैसे 2018-19 में टाटा ग्रुप के टाटा। अच्छा। सर्विस ने अकेले 10,000 करोड़ का टैक्स भरा था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके करीबन 100 कंपनियों को जोड़ दिया जाए कई देशों की जीडीपी कम पड़ जाएगी। तो 100 कंपनियां कैसे करता है टाटा इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद, हमारे आज के इस वीडियो इसका टाइटल है हाउ इज रतन टाटा मेकिंग इंडिया ग्रो। में खैर अब सब मुझे ये बताओ कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। मनी मतलब इकोनॉमी, फिर एजुकेशन, इसके साथ हम हेल्थ को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट? ये सभी फैक्टर्स है ना। सो चलो देखते हैं कि इनमें से और इन जैसे किस किस तरीकों से इंडिया को ग्रो करने के लिए टाटा अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमी, जिसके बिना देश तो छोड़ो किसी एक इंसान का भी दिन नहीं चलता। और बिल्कुल इसीलिए टाटा ने भी अपने इनकम को सही का अर्ली 90s में ग्लोबल मार्केट में कदम रख दिया था, जिसके चलते आज 7 में से 6 कॉन्टिनेंट 100 कंट्रीज में टाटा पहुंच चुकी है। और अगर हम टाटा के मेजर ब्रांड्स को देखने जाए तो टाटा के यानी TCS टाटा की सबसे प्रॉफिटेबल सब्सिडियरी है, जो 7,545.6 मिलियन कंपनी। और जिसने 2020-21 में अमेरिकन मार्केट से 842 बिलियन रुपीस इंडिया में लाए थे। इसी तरह टाटा के बेवरेजेस में जहां टाटा टी इंडिया का ब्रांड है, वहीं 2000 में एक्वायर की गई विदेशी टेटली टी कनाडा में नंबर वन और यूके और यूएस में सेकंड सबसे ज्यादा बिकने वाला टी ब्रांड है, जो भी टाटा का है। बल यूरोप कंट्री में मौजूद है, तो यहां पे भी थी ना पाकिस्तान, पाकिस्तान में थी फिर बंद हो गई। स्टारबक्स के साथ इंडियन मार्केट में खड़े जॉइंट वेंचर से 5,807.99 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और टाटा सॉल्ट से लेकर टाटा की टाइटन तक इंडियन और ग्लोबल मार्केट से इसी तरह बड़े बड़े रोकड़े छाप रही है, जो ऑब्वियसली इंडिया में आता है। टाटा के टाइटन, टाइटन आई प्लस, सोनाटा और फास्ट ट्रैक की एक्सेसरी सेल करके हर साल 21,204 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसके अलावा टाटा स्टील लिमिटेड ने 1.5 करोड़ में, जिसमें ताज, टाटा स्टील, विवांटा, जिंजर, द गेटवे जैसे होटल्स के नाम भी शामिल है। इनसे होटल भी इनके, सब कुछ इनका, 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसी के साथ टाटा छाया हुआ है, 4,500 करोड़ से कमा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था करीबन इनकी 100 कंपनियां हैं, लेकिन ये सिर्फ उनमें से गिनी चुनी कंपनियों की कमाई थी। तो सोचो ये टोटल कितना कमाते होंगे और हमारे को कितना फायदा होता होगा। टाटा ह्यूज कॉन्ग्लोमेरेट, फॉर एग्जांपल 2000 में टाटा का ओवरऑल टर्नओवर का 20% हिस्सा इंडिया का फायदा है, और 2015 में इनका विदेश से आने वाला टर्नओवर 70% हो गया। और आज 5 साल बाद ये कितना ही ज्यादा बढ़ चुका होगा। पहले 20% आता था, अब 70% आ गया, 70%। 2017 में गवर्नमेंट के टोटल 21,08,118 टैक्स कलेक्शन में टाटा कंपनीज ने मिलकर 47,196 करोड़ यानी टोटल जीडीपी में 2
2.24% कंट्रीब्यूशन भी किया था। और सिर्फ जीडीपी में ही इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इंडिया की एजुकेशन में तो इनका कंट्रीब्यूशन जमशेद जी टाटा ने 1911 में शुरू किया। अच्छा। जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उस टाइम पे बनाया, लेकिन बिल्कुल मदद करने का काम तो इन्होंने 1892 से ही शुरू। अच्छा। जब इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स से लेकर लोन्स तक हर चीज की सुविधा देना। अच्छा, लोन्स भी। टाटा ग्रुप ने आज 84 एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया। अच्छा। जिससे इंडिया के 26 स्टेट्स में 145 डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले 360 लाख स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की ही लाइफ। क्या बात है भाई। महाराष्ट्र की बात, एजुकेशन की तरफ यहाँ पर तेजस प्रोजेक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट, द ब्रिटिश काउंसिल और टाटा ट्रस्ट का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, उससे 18,000 टीचर्स अब तक इंग्लिश पढ़ाने और सिखाने का तरीका सीख क्या बात है भाई, एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं। पर इसके साथ ही कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज तो टाटा ने खुद ही भारत में चलाई, जैसे इंडियन विज्ञान इंस्टीट्यूट, टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा ही टाटा है हर जगह, मैनेजमेंट कोई जगह नहीं छोड़ी सेंटर ऑफ। पर इतना करने के बावजूद टाटा अपने टाटा स्ट्राइव इनिशिएटिव से भी इंडिया के लोगों को अलग अलग चीजें सिखाने से लेकर उन्हें अलग अलग काम के स्किल्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 2014 से लेकर अब तक 6.5 लाख लोग इस इनिशिएटिव का एक्सपीरियंस ले चुके, मतलब 6.5 लाख लोग अभी तक ये कर सीख चुके। यूनेस्को के एक एस्टिमेशन यानी कि अंदाजे में 1.37 बिलियन बच्चों की पढ़ाई रुक जाने का खतरा सामने आया था, विच इज अ बिग डील। टाटा ने एक बार फिर TCS आयोन डिजिटल क्लासरूम के रूप हमारी मदद की, जिससे स्कूल्स और कॉलेजेस को मोबाइल और वेब एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिला। अच्छा। स्टूडेंट्स को रियल टाइम में लेसन्स के साथ साथ उनके वीडियोस, वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स और असेसमेंट्स सब कुछ मिल पाया। क्या बात है। इसमें लाइव क्लासरूम जैसा फीचर भी है, मतलब सीधे सीधे बोले तो इंडिया की एजुकेशन के सागर से लोगों का बेड़ा पार कराने में टाटा का एक आगे। लेकिन इकोनॉमी और एजुकेशन के अलावा एक और एक सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है, जो कि है हेल्थ। क्योंकि इंडिया के लोगों की काफी इम्पोर्टेंट चीज है, बिल्कुल हेल्थ के बगैर तो काम नहीं है ना। 500 करोड़ का डोनेशन इंडिया को दिया, बिल्कुल दिया है भाई। लेकिन इस 2500 करोड़ के अलावा भी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यह बताया कि टाटा ग्रुप ने हॉस्पिटल्स में 3300 बेड्स ऐड कराए, हॉस्पिटल्स का निर्माण किया और इन्होंने ऑक्सीजन कैपेसिटी को हर दिन 1100 टन तक बढ़ाया, जो इंडिया के 3000 बेड दिए इन्होंने, बहुत बड़ी। लेकिन टाटा आज सिर्फ कोविड में ही इंडिया की मदद नहीं कर रहा। सन 1930 में जब सर दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा को ल्यूकेमिया हुआ और 1931 में वो गुजर गई थी। ल्यूकेमिया एक टाइप का स्किन कैंसर होता है और उन्हें खोने के बाद उनकी याद में सन 1932 में द लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बनवाया। अच्छा। 4/5 इनकम इंटरनेशनल रिसर्च और 1/5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स में ल्यूकोमोजेनिक एजेंट से लेकर एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, इम्यूनोलॉजी एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ ल्यूकेमिया पर रिसर्च करने में जाता। अच्छा। है। और सिर्फ देश के खराब हेल्थ को सुधारने के लिए ट्रस्ट ही नहीं, हमारे देश के आने वाले कल हमारे देश के बच्चों की हेल्थ खराब ना हो, इसलिए टाटा ने दी अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बेंगलुरु बेस्ड नॉन प्रॉफिट अक्षय पात्र के पार्टनरशिप में चलाया है, जो हर दिन 12,000 स्कूलों में न्यूट्रिशियस और टेस्टी खाना खिलाता है। इसी के साथ आज इंडिया में 34% इंडियन स्टेट्स पानी की गंदगी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल मिलता है यार, होता है ऐसा। इंडियन पानी में होने वाली बीमारियों से हर साल लड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात डायरिया की करें तो वो अकेले ही 7 लाख इंडियंस की मौत का एवरी ईयर, जिसमें से 1.5 लाख तो सिर्फ बच्चे होते हैं। इसीलिए टाटा अपने वाटर मिशन से इंडिया के 7,000 गांवों में 6 मिलियन लोगों को साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करने के एम में पिछले कुछ सालों में इन्होंने 4,000 गांव में फ्रेश और साफ सुथरा पानी पहुंचाकर 10 लाख इंडियंस की जिंदगी बचाई। अच्छा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 20% पानी जो इंडिया के लोग पीते हैं वो टाटा की डिजाइन फैसिलिटी, 20% जो पीते हैं वो टाटा। इन्होंने इंडिया के आज साफ पानी दोनों को सुरक्षित करने का प्लान तैयार रखा है, ये काम करने से पहले की मैं पूछ रहा हूँ, टाटा के इंडिया को एम्पावरमेंट से एम्प्लॉयमेंट देने और इंडिया के एनवायरमेंट को बचाने वाले स्टेप्स की बात भी आप तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। तो अपनी मिट्टी में बने लोग अपनी मिट्टी को हमेशा ही याद रखें, और तभी तो लोगों के लिए टाटा केमिकल सोसाइटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट TCSRD ने ओखाई इनिशिएटिव। अच्छा। जिसमें वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट टेक्निक्स को प्रमोट करते हैं। अच्छा। जो मतलब हाथों से चीजें बनती हैं। गुजरात में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG
एसडीजीज फॉर्म कर रखे हैं जो वहाँ के गांव में 5,000 कारीगरों को अगले 5 साल में एम्पावर करने का गोल रखता है। अच्छा, कोई काम नहीं छोड़ा। वर्ल्ड इनिशिएटिव जो एक ऐसा मार्केट प्लेस पोर्टल है जो महिलाओं और किसानों के छोटे छोटे, ये तो ऐसा गवर्नमेंट के तौर पे काम कर रहा है, विजडम को बढ़ाने में गवर्नमेंट के थ्रू भी नहीं होता है, इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी जो ये कर रहे हैं। अब तक इस इनिशिएटिव से 14,325 महिलाएं और 12,736 फार्मर्स जुड़ चुके हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया टाटा भूटान जैसे देशों से ज्यादा यानी कि 7.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देता है, लेकिन एनवायरमेंट में भी बिल्कुल इसी तरह टाटा आगे है। जैसे टाटा केमिकल्स बोटानिकल रिजर्व के थ्रू, मतलब टाटा केमिकल्स ने अपने गुजरात के मीठापुर के साइट पर 150 एकड़ रिजर्व बना दिया है। अच्छा, अब 21 नेटिव प्लांट्स के साथ साथ 114 अलग अलग वेजिटेशन भी पाए। अच्छा, यही क्यों, यहाँ ताकि माहौल सही रहे, मॉनिटर लिजर्ड से लेकर स्टार टॉर्टोइस, जैकल्स, वाइल्ड बोर और नील गाय जैसे जानवरों का भी वास। अच्छा, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती भाई, क्योंकि अगर पिछले 30 सालों की बात करें तो टाटा पावर ने वलवान डैम और इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पर बसे अपने मुंशी और मावल रीजन के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज के पास 180 लाख पौधे लगाने का काम, जिससे न सिर्फ वहाँ के छोटे छोटे झरने और साथ ही वहाँ के पेड़ पौधों की वजह से मौसम भी बेहतर। मतलब साफ है फ्रेंड्स, आज इंडिया में 13,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, अच्छा इंडिया के हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसमिशन के रीढ़ की हड्डी बना हुआ है टाटा। इंडिया के लोगों को हमारे एक किस्म का समझा जाए तो टाटा इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, चाहे बात पैसे से लेकर पढ़ाई किसी की भी क्यों ना हो, और अपने देश को आगे बढ़ाते जा रहे टाटा का यही सपना है कि वो आने वाले कल में भी अपने देश की और अपने देशवासियों की इसी तरह से। क्या बात है भाई, क्योंकि अगर लोगों की माने तो टाटा के लोगों का मतलब कल्पतरु या फिर बोधी ट्री है, जिसके नीचे हर किसी को सर छुपाने का सहारा और शांति। बिल्कुल सही कहा, ये टाटा के वैल्यूज है। सो फ्रेंड्स, आपका टाटा और टाटा को हाथों में संभालने वाले रतन टाटा जी के बारे में क्या ख्याल है, और उनके इंडिया को आगे बढ़ाने के इनिशिएटिव्स के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार इस बंदे को मैंने हमेशा देखा है, इसने कभी मतलब के अपने आप को ये नहीं साबित किया कि मैं अरबपति हूँ या मैं इतना बड़ा आदमी। बिल्कुल, ये एक हाथ से देते दूसरे हाथ से भाई मतलब पता ही नहीं चलता। ये वो बंदा है, और इसकी वजह से 7,000 गांव में साफ पानी गया है, जिसकी वजह से गंदा पानी लोग पीता था और उनको डायरिया और मतलब काफी ज्यादा टैक्स वगैरह हो जाती है। अभी भी 20% जो है पानी ये इनका इस्तेमाल पूरे इंडिया के अंदर अंदाजा लगा ले, 20% इनका प्रोवाइड किया हुआ पानी हो रहा है। ये कोई छोटी चीज एक नहीं होती है, और एक किस्म का टाटा जी की जो है ये सब कुछ चीजें हैं, ये रीढ़ की हड्डी है इंडिया के लिए। वजह कोई ऐसा शोभा नहीं है जिन्हें छोड़ा हो, नहीं भाई, कोई इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बिजली तक, बिजली के कामों में भी, एजुकेशन के कामों में, हॉस्पिटल सेहत के कामों में, कितने तो हॉस्पिटल बना दी, कितने एजुकेशन सेंटर बना दी, कितनी महिलाओं के लिए उन्होंने सीखी नहीं वो कारीगरी जो हाथों से काम कर देहातों में उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कितना काम किया। बिल्कुल अंदाजा लगा लो, ये कहे एक किस्म का टाटा जी को अगर बोलो ना कि एज अ गवर्नमेंट के तौर पर ये भी काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट, मैं अगर बोलूँ ना 200% सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई शक नहीं होगा। मतलब इतना ये दान करते हैं, 60% अपनी कमाई का टोटल जो कंपनियों की 60% कमाई है टोटल कंपनियों की जो आती है वो दान कर देते हैं पूरे इंडिया के अंदर। और कौन करता है? और जब टैक्सेस भरने की बारी आती है 10,000 करोड़ जितने भी जो भी टैक्स बनता है वो देते हैं इन पे, एक दफा भी इल्जाम नहीं लगा कि इन्होंने टैक्स ना दिया। बिल्कुल बाबा, वो आप अंदाजा लगाएं, वो बंदा जो शुरू से मतलब के 60% अपनी कमाई का ऐसा दे रहा है, उस पर इल्जाम लगा, सही बात है, वो मतलब के अपना टैक्स चोरी करेगा, नहीं हो सकता, वो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। और जमशेद जी जो थे, वो जो जमशेद जी टाटा थे, उन्होंने सबसे बड़ा आज तक का दान दिया है, और वो उस तक बिल गेट्स तक वो आदमी कोई नहीं पहुंच सका। देखिए ना, 1911 में उस टाइम पे उन्होंने एजुकेशन के पता नहीं सारा को टोटल उन्होंने किया था, 102 था कि 120 बिलियन डॉलर उन्होंने उस टाइम दान किया था। लाओ अंदाजा, उस टाइम पे यानी 1911 में, और वो तब टाइम भी टाइम था, आज का अगर वो पैसा बंदा 10 साल हो गए मतलब कि अगर वो पैसा फेंको तो फिर आप समझ सकते हो अच्छे से कि क्या आगे है। ये रतन टाटा ने ऐसा काम चलाया कि आगे लेते गए कितनी तरक्की इन्होंने की, 100 कंपनियां, इसमें कोई शक नहीं कि बिल्कुल बाबा 100 से ज्यादा है, 100 नहीं है 100 से ज्यादा है। अगर कंपनियों के नाम गिनते बैठ जाओ तो पूरी वीडियो बनती है। बिल्कुल
वो वीडियो क्या बनती है, मैं कहता हूँ कि 3 घंटों की पूरी फिल्म बन जाए लेकिन ये वीडियो खत्म ना हो। और मतलब कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी कंपनी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में इनकी कंपनियां टॉप 5 पे आती हैं। टेटली मेटली हर चीज टाइटन, ऐसे ब्रांड्स है जिसको दुनिया पहचानती है। ये टेटली आपने नाम लिया, देखिए ना कनाडा और यूएसए में ये टॉप है टीवी बिल्कुल। और यहाँ पर भी थी पहले टेटली, मैं जब छोटा होता था तो आती होती थी लेकिन ये फिर बंद हो गई थी, मुझे नहीं पता किस कारण बंद हुई लेकिन ये आती होती थी। सेहत के मामले में कितने अस्पताल कितने बनाए, वजह कमाल है, आप अंदाजा लगा ले हर चीज पे इन्होंने फोकस किया। और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया को ये मतलब बहुत ज्यादा तेज आगे लेके जा रहा है, ग्रो करने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं बाबा बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आप किस बारे में क्या थॉट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तो बाय।